तो जयपुर में शिक्षा भर्ती परीक्षा में लिप्त आरोपियों की ओर से चलाए जा रहे अधिगम कोचिंग इंस्टीट्यूट पर जेडीए ने कार्रवाई की। जेडीए ने पहुंचकर मौका मुआयना किया और इस दौरान टीम को बिल्डिंग में कई अनियमितताएं मिली। मुख्य नियंत्रक प्रवर्तन रघुवीर सैनी ने बताया कि एक आवासीय कॉलोनी के दो भूखंडों को मिलाकर अवैध रूप से बिल्डिंग बनाई गई थी। इसके साथ ही रोड सीमा में भी अतिक्रमण किया गया है। उन्होंने कहा कि जो भी अतिक्रमण है उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। अनियमितताओं के आधार पर नोटिस जारी किए जाएंगे, साथ ही सख्त कार्रवाई जाएगी।